अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद नूर खान। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आज हम अभी शुरू करते हैं बैंगन के पकोड़े बनाने का तरीका। ये हमने बैंगन लिए हैं, इनको गोल गोल काट लिया है। और ये हमने बेसन लिया है 1 कप। इसके अंदर अब हम डालते हैं मसाले। मसालों के लिए सबसे पहले हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, साथ हरी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हसबे ज़रूरत हल्दी डालेंगे और डालेंगे धनिया ग्राइंड हुआ हुआ, ठीक है, 2 टेबल स्पून, क्योंकि धनिया के साथ अच्छा जायका होता है पकोड़ों का। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसको चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों के साथ इसको मिक्स करूंगी। और इसकी डोर जो है वो बहुत ढीली ना हो, थोड़ी थोड़ी सख्त हो, दरमियानी सी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे बैंगन। ये आप देख सकते हैं, अभी हमने इसके अंदर बैंगन डाल दिए हैं। अभी हम इनको मिक्स कर, आप देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो चुका है बैंगन पकौड़ों का। अभी हम इसके अंदर डालते हैं धनिया सबस और इसको मिक्स करते हैं। मिक्स हो गए हैं, अभी हम तेल गरम करते हैं और बनाते हैं पकौड़े। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे एक एक करके पकौड़ा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ास तौर पे रमज़ान आ रहा है, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हल्की आंच पे हम इनको बनाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी जो रह गए हैं वो पकौड़े डालते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम बनाते हैं पकोड़ों का मसाला। ये मैंने तेल थोड़ा कर लिया है। ये हमारी बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम जायका देते हैं। अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। अभी हम इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले और ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, रेड मिर्च डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे पकौड़े, उनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये हमारे बन जाएंगे रमज़ान स्पेशल मज़ेदार मसाले वाले। हम इनको 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे। उसके बाद ज़बरदस्त मसाले वाले पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है, हमारे पकौड़े मसाले वाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं भाई, हमारे मसालेदार पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके जी,
अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान स्पेशल में ये।